नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ झटपट बनने वाली सुपर टेस्टी चिकन करी, जो बनाने वाली हूँ प्रेशर कुकर में। इसमें चिकन के पीस बहुत ही सॉफ्ट बनती है। जब आप जल्दी में होती हैं तो इस तरीके से बनाइए प्रेशर कुकर में चिकन करी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए बनाते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब मैं न्यू रेसिपी लेके आऊँ तो वो आप तक पहुँच सके। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे कुछ मसाले ले रखे हैं। 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी प्याज लंबी लंबी काट ली है, 4 से 5 हरी मिर्च, 700 ग्राम जितना चिकन और थोड़ी सी दही। चिकन को मैरिनेट करने के लिए अब सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ। थोड़ी सी प्याज दे रही हूँ मैरिनेशन के लिए और थोड़ी सी प्याज जो रखी हूँ वो ग्रेवी के लिए यूज करूंगी। अब दूंगी इसमें मैं 2 से 2.5 चम्मच दही, 1 से 1.5 चम्मच नमक, 3 सी तेल। सभी को देखकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चिकन में अच्छे से कोटिंग कर देंगे जिससे कि चिकन की बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी। मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे बाहर में ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ सकती हैं। जब तक चिकन मैरिनेट होती है तब तक के लिए मैं प्याज भून लेती हूँ। थोड़ी सी तेल दे रही हूँ। अब दूंगी इसमें मैं 2 तेज पत्ता, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 दालचीनी। आप चाहे तो अपने पसंद की कोई भी खड़े गरम मसाले डाल सकती हैं। अब दूंगी 1 चम्मच जीरा। थोड़ी देर के बाद दूंगी इसमें मैं 1/2 चम्मच गुड़, जिससे कि चिकन करी की कलर बहुत ही खिल के आएगी और इसकी टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगेगी। और जो बची हुई प्याज थी सभी को डाल देंगे इसमें और इसे ढक ढक कर अच्छे से भुनेंगे। प्याज अब थोड़ी सी भुन चुकी है। इसमें मैं देने के लिए जा रही हूँ अब 2 से 2.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 से 2.5 चम्मच अच्छे से पकने के लिए। जब ये अच्छे से पक जाए तो मैरिनेट हुए चिकन को मैं सारे इसमें डाल दूंगी। अब जिस बर्तन में चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़े थे उसमें थोड़ी सी पानी डालकर इसी में डाल देंगे, क्योंकि मसाले लगे हुए थे उसमें तो वो मसाले बर्बाद नहीं जाने चाहिए। चिकन को मिला लेंगे अच्छे से और लो फ्लेम पर इसे ढक ढक कर 15 से 20 मिनट तक इसे पकाएंगे। अच्छे से पकने लगी है चिकन। अब देख रहे होंगे साइड से तेल छोड़ने लगा है। अब तो इसमें मैं 1/2 कप पानी गरम करके दे रही हूं। और 1/2 चम्मच गरम मसाला देके कुकर को सेट कर देंगे और सिर्फ 1 सीटी लगने तक छोड़ देंगे। एक सीटी लगने के बाद जब गैस निकल जाए
तो दे रही हूँ इसे मैं आधी चम्मच काली मिर्च और जीरा का पाउडर। अगर आपके पास चिकन मसाला हो तो आप वो भी दे सकती हैं। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। फ्रिज में डाल देंगे धनिया पत्ता। उसके बाद हमारी चिकन करी तैयार है। देख रहे होंगे कितनी प्यारी कलर आई है इसकी। बहुत कम तेल में बनाया गया है और जितनी अच्छी दिख रही है खाने में भी उतनी ही लाजवाब है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।